कहाँ जाओगे? बेलापुर, नामपुर, फतेहगढ़, रामगढ़, कहाँ जाना है बोलो? अरे क्या कभी तांगा नहीं देखा पहले? ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। समझ ही गए होंगे आप कि आज के बर्थडे स्पेशल में किसकी बात होने वाली है। मैं राशि सेठ ही आज कराऊंगी आपको टांगे की सवारी और ले चलूंगी ऐसे सफर पर जहां होंगी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के जीवन की कुछ अटपटी चटपटी बातें। हेमा मालिनी, अंजलि देवी, वैजंती माला, पद्मिनी, वहीदा रहमान के बाद पांचवी तमिल बोलने वाली एक्ट्रेस थी जो बॉलीवुड में अपना नाम कमा रही थी। कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वही राह होती है। 1964 में एक तमिल डायरेक्टर ने हेमा मालिनी को रिजेक्ट कर दिया था, यह कहकर कि वह स्टार मटेरियल नहीं है। चार साल बाद 1968 में राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर में बॉलीवुड में करियर की शुरुआत की और बन गई लाखों दिलों की धड़कन ड्रीम गर्ल। इस फिल्म के बाद ही ड्रीम गर्ल के टाइटल से प्रमोट होने के कारण उन्हें 1977 की फिल्म ड्रीम गर्ल में कास्ट किया। अब बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो 2012 में हेमा मालिनी फिलॉसफी के सब्जेक्ट में डॉक्टरेट हासिल कर चुकी हैं। अपनी किताब हेमा मालिनी द ऑथराइज बायोग्राफी में उन्होंने बताया है कि ड्रीम गर्ल पर हमारे जीतू जी भी दिल हारे थे। जितेंद्र ही नहीं, हमारे ठाकुर साहब यानी संजीव कुमार भी थे ड्रीम गर्ल पर फिदा। हवा के साथ साथ, अरे रे रे, घटा के संग संग, संभालना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू। दोनों ही एक्टर्स ने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज किया लेकिन दिल तुड़वा कर बैठ गए। हेमा मालिनी ने दोनों ही अभिनेताओं को मना कर दिया था क्योंकि उनका दिल आ गया था हमारे पंजाबी पुत्र जट यमला पगला दीवाना पर। हेमा मालिनी ने फिल्म निर्माता के तौर पर दिल आशना है में काम किया था। उस फिल्म में हेमा मालिनी ने शाहरुख खान को बड़े पर्दे पर आने का मौका दिया। साल 2000 में हेमा मालिनी को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी पुरस्कृत किया गया। राशि सेठी और मीडिया दरबार की पूरी टीम की तरफ से ड्रीम गर्ल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जुड़े रहिए मीडिया दरबार चैनल के साथ और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लो ताकि मैं आपसे फिर से मिल सकूं। धन्यवाद।